काम बहुत ही शानदार थी, यहाँ चार चांद की जगह 5 चांद लगे थे क्योंकि मैं अपना चांद खुद लेकर आया था। मेरा एक नया शो आ रहा है बजाओ, इट्स बेस्ड ऑन दिस थ्योरी कॉल्ड के लाइफ में कुछ भी हो जाता है बस बजाओ। इट्स अ वेरी किक एस वैक्ड आउट कॉमेडी, जियो सिनेमा पे आने वाली है, आप जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको देखने में। कुछ ज्यादा ही यार स्पेक्टेकुलर लगा मुझे ये इवेंट, बिकॉज आई सॉ मनोज सर, आई सॉ विक्रम सर, आई सॉ सिद्धांत, बिग फैन, देन आई सॉ राजकुमार राव। ये पहला जो रो था ना कुछ ज्यादा ही स्टार स्टडेड मुझे लग रहा था इन टर्म्स ऑफ टैलेंट, लाइक द अमाउंट ऑफ टैलेंट सिटिंग इन दैट फ्रंट रो एंड द सेकंड रो वाज जस्ट आई एम लाइक यो फैन बॉय मोमेंट। ओह मैन, ऑलवेज फॉर मी, ऑलवेज। फर्स्टली कांग्रेचुलेशन, आई होप इट्स कॉल्ड मिसमैच सीजन 2 और समथिंग। इट इज फॉर मिसमैच सीजन 2, यस यस। टेल अस समथिंग अबाउट मिसमैच सीजन 1 सीजन 2। ओह इट्स वेरी वेरी स्पेशल, इट्स माय फर्स्ट शो, तो पहली बार YouTube से थोड़ा यूनिवर्स से बाहर निकल के कुछ नया ट्राई किया था। इट वाज माय फर्स्ट फिल्म सेट और मैं वहां पे आई वेंट देयर एंड आई वाज लाइक दिस इज ग्रेट, आई वांट टू डू मोर ऑफ दिस। पीपल आर वेटिंग फॉर द सीजन 3 पर्सनली। आई एम आल्सो वेटिंग फॉर सीजन 3। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द सीजन 3, कितना टाइम लगेगा? आई हैव नो क्लू, मैं खुद इनफैक्ट आज मैंने आकाश को फोन किया था, मैं कुछ तो बता दो यार क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, वेरी एक्साइटेड फॉर इट। बट जितने आप एक्साइटेड उतनी मैं एक्साइटेड, जितने आप क्लूलेस उतने मैं भी क्लूलेस हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट एनीथिंग कमिंग अप? I have a show, I have an audible show called Marvel Wastelanders, yes. That's going to, like, it'll start now and yes. Then I'm in Hawkeye, which is coming up. I've got Niyat releasing on the 7th of July, which is in theaters. Please go and watch it. If we will, you, definitely. Yeah, thank you so much and your interview with KC was fine. Thank you. I'm so glad you watched it. I saw it. Thank you. ये मेरा पहला अवार्ड है नमस्ते अमेरिका के लिए और मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, हद से ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि एक टेलीविज़न रनिंग शो करते वक्त साथ ही में उसका प्रीक्वील करना जो कि 17 साल पहले का है, बहुत बड़ी बात है। वो ऑस्टेंटेशियस बजट आपको दूसरे शोज़ में दिखा देते हैं, इसमें इट वॉज़ प्योरली कॉन्टेंट एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन, और ऐसा मौका सिर्फ राजन शाही दे सकते हैं अपने एक्टर्स को। कौन सा मेकर ऐसा एक्सपेरिमेंट करेगा कि अपने शो कि यू नो वहाँ पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए, अनुपमा पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए इस 45 साल की महिला को आपने 27 साल की दिखाया और उसे अवार्ड भी दिलवाया। एंड हाउ चैलेंजिंग इट वाज फॉर यू टू डू द बोथ? इट वाज ह्यूज, मतलब सुबह अनुपमा शूट करके, जो अभी रनिंग अनुपमा शूट करके, शाम को नमस्ते अमेरिका शूट करना, या फिर आज नमस्ते अमेरिका कल अनुपमा शूट करना, मतलब एटलीस्ट वी हैड अ ग्रेट टीम, इट वाज फैंटास्टिक एक्टर्स, सरिता जी वाज देयर, अरविंद अंकल, अल्पना बेन, सुधांशु, सो द एक्टर्स वर सो फैंटास्टिक कि मज़ा आ गया करते हुए, और हमारे डायरेक्टर रोमेश कालरा, अब भाई सुनन सर, एवरीबॉडी बस अभी और गाने आएंगे और अगले हफ्ते पिक्चर आएगी। दो सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया, get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.